नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज पटना के पारस अस्पताल में चल रहा है। वो 3 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं और अब एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जा सकता है उन्हें। इसकी तैयारी भी की जा रही है। हालांकि पारस अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आसिफ रहमान ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। वहीं पारस के डॉक्टरों की टीम ये आज भी देखेगी कि दिल्ली ले जाने में उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं होगी। लालू प्रसाद के परिवार और पारस अस्पताल से बातचीत कर लौटने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार और अस्पताल प्रबंधन अगर जरूरी समझेगा तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी उनके परिवार और अस्पताल प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बीच लालू प्रसाद के शुभचिंतकों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी पारस अस्पताल में हैं। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद का यहां इलाज चल रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि आप लोग अस्पताल ना जाएं और अपनी जगह पर ही रहकर दुआ मांगे। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा है कि हर बाधाओं से जिनसे पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जिनकी शक्ति। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की सेहत की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सोनिया गांधी और नीतीश कुमार भी लगातार ले रहे हैं। लालू प्रसाद के शुभचिंतक लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को रविवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के अपने कमरे में जाते समय वो गिर पड़े थे, जहाँ सीढ़ी पर गिरने के दौरान उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया। इसके साथ ही कमर में भी उन्हें चोटें आई थी। तत्काल इलाज भी किया गया, लेकिन दर्द दूर करने की दवाओं ने उनकी बेचैनी रविवार रात को बढ़ा दी, जहां सोमवार की सुबह करीब 3:30 बजे उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और तब से वो पारस के अस्पताल में आईसीयू में ही है। सांस लेने में कठिनाई होने पर उन्हें ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है। इस दौरान वो कई बार बेहोशी की हालत में भी चले गए। किडनी, हार्ट, ब्लड शुगर आदि कई बीमारियों से लालू यादव ग्रस्त हैं और ऐसे मरीज को दर्द की दवाएं देने पर दिक्कत आ जाती है। बुधवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के साथ छात्र यूनियन की राजनीति करने वाले सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर ईश्वर से लालू प्रसाद यादव के ठीक होने की प्रार्थना की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली भेजने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।